time is it? You know what time it is. It's time to hit that subscribe button. You know just where it's at. Right down there. Right down there. And it's time to follow my Instagram. That's Geekly Amanda. Geekly Amanda. It's the same on Twitter. Make sure to follow me there too. And it's time to get this reaction video started. How I came to this video. It's Krishna's coin story. Well, I do, because listen, I'm always doing all the Krishna stuff, looking up all the stuff about the Krishna and just the Hindu gods and goddesses in general. And so this one came across my main page and I was like, let me check this out, because I never heard of this Krishna's coin story. I haven't heard about the coin story. So I was like, I gotta check this out, because you know I need to learn anything and everything about my Lord Krishna. So y'all ready to get this started? Let's just get it. Let's get it going. I'm ready to listen to it. Ready? Go. कृष्ण का सिक्का. Krishna's coin story. एक गांव में एक गरीब साधु रहते थे. A poor priest. Okay. वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे. Devotee to Lord Krishna like. वो घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांगते थे. लोग उन्हें पैसे या फिर भोजन देते थे और वो उन्हें आशीर्वाद. भगवान कृष्ण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया. एक दिन जब वो साधु नदी के किनारे चल रहे थे, तभी उन्हें सोने के सिक्कों से भरी हुई एक पोटली मिली. वो बहुत खुश हो गए और पोटली अपने पास रखने का निर्णय लिया. घर वापस जाते समय उन्हें रास्ते में एक भिखारी दिखा. भिखारी ने भोजन अथवा पैसे की भीख मांगी, पर साधु ने उसे कुछ भी नहीं दिया. वो जब वापस चल रहे थे, थोड़ी ही दूर साधु को जमीन पर एक चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया. उन्होंने अपने आप से कहा, वाह, कितना अच्छा दिन है. पहले सोने का सिक्का और फिर ये हीरा, वाह. वो जैसे ही हीरा लेने के लिए नीचे झुके, एक चोर ने पीछे से आकर उन पर छलांग लगाई और सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली खींचकर वहां से भाग गया. असल में वो हीरा सिर्फ एक कांच का टुकड़ा था, जो चोर ने जानबूझकर उस साधु को फंसाने के लिए वहां रखा था. साधु बहुत दुखी हो गए. साधु वापस अपने घर की ओर चलने लगे. भगवान कृष्ण ने एक साधारण मनुष्य का अवतार लिया और साधु को मिलने का निर्णय लिया. वो साधु को मिले और उन्होंने उसे एक सिक्का दिया और कहा, कृपा करके मेरे इस सिक्के को स्वीकार लीजिए. साधु ने उस सिक्के को स्वीकार लिया और कृष्ण भगवान वहां से निकल गए. साधु को विचार आया, ये क्या है, इससे मैं क्या कर लूंगा, मुझे नहीं लगता ये सिक्का मेरे कोई काम का है. घर जाते समय रास्ते में साधु को एक मछुआरा मिला. मछुआरे के जाल में 2 मछलियां फंसी हुई थी. साधु को उन पर बहुत दया आई, इसीलिए उन्होंने मछुआरे से कहा, मैं तुझे ये सिक्का देता हूँ, तू मुझे ये दोनों मछलियां दे दे. मछुआरा मान गया. साधु ने तुरंत ही उन मछलियों को पानी से भरे हुए मटके में रख दिया. उन्होंने सोचा कि दूसरे दिन वो जाकर इन दोनों मछलियों को नदी में छोड़ आएंगे. दूसरे दिन जब वो नदी के पास मछलियों को छोड़ने गए, उन्होंने जो देखा वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए. नदी में 2 हीरे थे. साधु बहुत ही खुश हो गए, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है. उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की. भगवान कृष्ण साक्षात सामने आए. उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. कृष्ण भगवान ने कहा, मछलियां जब पानी में थी, तब वो भूल से हीरो को निगल चुकी थी. अब तुम्हें हीरे मिले क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई. साधु के आंख में पानी आ गया और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को धन्यवाद कहा. तुम्हें सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली मिली, पर फिर भी तुमने उस भिखारी की मदद ही नहीं की. तुम्हारे उस हीरे की लालच से तुमने वो सोने के सिक्के को भी खो दिया। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं रखना चाहिए। साधु ने भगवान कृष्ण को वचन दिया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और कभी भी लालची नहीं बनेंगे। दोस्तों, karma, that's what I always say. I always say good, and I tell my kids this. You do good things will come back to you. You do bad things, that puts the bad karma on you. Bad things are going to happen to you. That's exactly the same thing. This story here, Lord Krishna always will teach the right and the wrong. Does he not? And right here, that tells you. That's karma. That's karma right there. He was being greedy, found that whole bag of gold coins. They had a beggar there. That's why, too, someone asked for money or food or something on the street. I give. And even some people I've been with, they're like, oh, they're probably just going to use that money to, what they said, some people like get drunk by alcohol. I'm like, you don't know. And even if I give them a little bit of something and that's what they do, fine. At least in my heart, I know I'm doing what's right. And if they truly needed it, I don't want to be the one to deny them from food to eat. You never know, they could truly need it, and you're just walking by, just and have the excuse in your mind, oh, they're not going to use. If I give them something, they're going to use it for bad anyway. You don't know this. Do good things will happen to you. Come back on your karma. I always believed in karma. All right, y'all, let me know what you think. Comments, thumbs, all that. Until next time, mwah.